शिवसेना हिंदुस्तान जो है तमाम ड्राइवरों और पेट्रोल पंप के टैंकरों के प्रधानों के हक में जो है उनके समर्थन में आ रहती है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार ने कानून बनाया है, ये कोई भी कानून बनाने के लिए हम ये नहीं कहते कि सरकार कानून ना बनाए या कानून को चेंज ना करे, लेकिन कोई भी कानून बनाने के लिए अपने नुमाइंदों को जो है पहले जनता के अंदर लेके जाना चाहिए और जनता की नब्ज को टटोलना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि सरकार बनाई जाती है जनता चलाने के लिए, जनता ही सरकार को बनाती है, न कि तानाशाही की तरह, यानी कि जिस तरह से अपना दिल करेगा हर कानून को धड़ाधड़ जो एक स्पीड से बिना सोचे समझे हर कानून को बनाना, ये कानून उल्टा पड़ता है और बाद में सरकार को इस कानूनों को वापस लेना पड़ता है, फिर समाज में और बहुत बेइज्जती होती है सरकार की। सरकार को चाहिए कि कोई भी इस तरह का कानून बनाना है। अब ड्राइवरों के लिए इन्होंने देखो कानून बनाया 10 साल की सजा और वो 10 लाख रुपए उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा। हम तमाम लोगों को और सरकार को भी बताना चाहते हैं कि ड्राइवर तबका जो होता है उनकी तनख्वाह जो है 4-5 हजार रुपया तनख्वाह उनको बेचारों को 7 हजार तक तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा मिलती है। एक गरीब लोग ही होते हैं जो ड्राइवर होते हैं। अगर एक गरीब ड्राइवर लोग से आप 10 लाख रुपए लेंगे या 10 लाख 10 साल के लिए उसे सलाखों के पीछे में डालेंगे, अगर वो 10 साल अंदर रहेगा तो उसके परिवार को पीछे से रोटी कौन खिलाएगा? हम सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं कि सरकार क्या उनके परिवारों को रोटी खिलाएगी अगर 10 साल एक ड्राइवर अंदर रहेगा? सरकार बिना सोचे समझे जो कानून बना रही है, इन कानूनों से बाद में उनको पीछे स्टेप लेना पड़ता है, जिससे समाज में बहुत थू-थू और बेइज्जती होती है सरकार की। तमाम कानून आपने देखा होगा, किसानों के बारे में भी जो कानून बनाया था उस कानून में भी आपने देखा होगा कि सरकार को स्टेप जो अपना पीछे लेना पड़ा था, ये स्टेप भी ये हुआ किसानों से ऊपर स्टेप होगा। अगर ड्राइवर और टैंकर गाड़ियां अगर बंद हो गई, एम्बुलेंसें बंद हो गई, क्या सरकार उसमें कोई योगदान देगी? सरकार के पास इतने ड्राइवर हैं कि वो देश की पूरे हॉस्पिटलों की एम्बुलेंसों को चला पाएंगे? अगर सारे ड्राइवर हड़ताल पे आ जाते हैं तो सरकार जो है अपंगू बन जाएगी, लंगड़ी सरकार बन जाएगी, सरकार चलने के लायक नहीं रहेगी। सरकार को जल्द से जल्दी इस कानून को वापस लेना चाहिए और तमाम जितने इनके ड्राइवरों के प्रधान हैं उनसे बैठकर अपने नुमाइंदों से उनके बातचीत होनी चाहिए और एक अच्छी नेचर में बातचीत करें ताकि इसका कोई हल निकल सके और आम जनता जो है तंग हुई पड़ी है उससे आम जनता को जो है थोड़ा सा जो है सुकून मिल सके, क्योंकि पेट्रोल पंप बंद होते जा रहे हैं और जो गाड़ियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी कल तक तो बिल्कुल ही जो है हाहाकार मच जाएगा। उससे पहले सरकार को जो है अपनी मीटिंगें चलानी शुरू कर देनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। जी सुनने में आ रहा है आम व्यक्ति पर, हाँ ड्राइवर यानी कि कोई भी ड्राइवर है हर ड्राइवर पे होगा और ये ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो घर से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगी। अगर ड्राइवर जा रहा है सीधा तो कोई आके क्रॉस करेगा, अपने आप आकर बीच में लगेगा तो उसमें ड्राइवर का क्या कसूर रहेगा?